This story is brought to you by tapeatale.com. तुम शब्दों का मतलब जब भी ढूंढने निकलोगे बनारस की गलियों में, देखना गंगा मैया चुपके से तुम्हारी हथेली पर जीवन का सार रख देंगी. For a very long time in my life, I believed that success is achieving our goals or fulfilling our dreams. हमें बचपन से यही सिखाया भी जाता है कि तुम्हें तुम्हारी खुशी मंजिल पर पहुंच कर मिलेगी, और बहुत हद तक ये सही भी है, क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलते देखने की जो खुशी है वो शायद ही किसी और चीज में मिलती है. मगर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सपनों के पूरा होने के बाद वो खुशी भी ज्यादा देर तक हमारे साथ टिकती नहीं है, और हम फिर से किसी नई मंजिल की तरफ दौड़ लगा लेते हैं. अपने इसी रोजमर्रा की दौड़ से 2 दिन उधार लेकर मैं बनारस घूमने आया था. वहां घाट के पास एक हॉस्टल में कमरा ले लिया था और शाम तक करीब करीब पूरा शहर ऊपर से देख भी लिया था. फिर कहीं जाकर मुझे पता चला कि अगले दिन इसी हॉस्टल से एक वॉलंटियर सुबह सुबह हमें घाट पर सूर्योदय दिखाने लेकर जाने वाला है, और भला इससे बेहतर और क्या हो सकता था बनारस के रंग में घुलने का मौका. तो ठीक 5 बजे मैं मिलने की जगह पर आ गया. वहां मेरी पहली बार मुलाकात हुई देव से. देव हमारे वॉलंटियर थे. करीब 6 फीट की ऊंचाई, जरा से पके हुए बाल, बुलंद आवाज जिसमें गहराई थी बनारस की गलियों से. देव ने हमें बस बनारस घुमाया ही नहीं, बल्कि अपनी कहानियों में इस तरह घोल कर पिलाया कि लगा भैया कि हम तो है ही बनारसिया. कुछ बहुत अलग था उनमें, बिल्कुल रूहानी सा. उनकी आंखों से खुशी झलक रही थी, मगर उनकी किसी भी कहानी में सपनों का कोई जिक्र ही नहीं था. और मेरा दिमाग इस बात से हैरान था कि भला इस इंसान को खुशी मिलती कहां से. उस दिन घाट पर सूरज हमसे आंख मिचोली खेलता रहा, वो बादलों के पीछे से निकला ही नहीं, इसलिए हम सब वापस हॉस्टल के रूफटॉप कैफे पर आकर बैठ गए. इस दरमियान देव से अच्छी खासी बातचीत हो गई थी, तो ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने से पहले मैंने देव से भी पूछा कि देव भाई क्या खाना चाहेंगे बताइए, मैं ऑर्डर कर देता हूँ. और मुस्कुराकर देव ने कहा कि तकलीफ की कोई बात नहीं है, दरअसल मेरा खाना यहाँ फ्री है. फ्री शब्द सुनते ही मेरे साथ जो बाकी 2 लोग बैठे थे उनके भी कान खड़े हो गए, और उनमें से एक ने पूछा कि अमा देव मियाँ करते क्या हो आप. देव ने हंसकर फिर जवाब दिया कि मैं वॉलंटियर हूँ. हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, मगर उसके अलावा क्या करते हो, मैंने रिफ्लेक्स में पूछ दिया. शायद मैं वो पहला इंसान नहीं था जो देव से ये सवाल पूछ रहा हो, क्योंकि देव ने मेरे उस सवाल के पीछे छुपे हुए बाकी सारे सवालों को भाप लिया और बताया कि कैसे वो एक IIT के ग्रेजुएट हैं, उसके बाद IIM से उन्होंने MBA कर रखा है, और लगभग 11 सालों तक एक मल्टीनेशनल फर्म में मैनेजरियल पोजीशन पर काम भी किया है. वो हर रोज 11 साल तक सुबह दफ्तर जाते, शाम में वहां से वापस आते, इसके अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं. और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एहसास हुआ कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं. उन्होंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, प्रोफेशनल से मदद ली. करीब 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक है, साथ में ये भी बताया कि यू कैनॉट गो बैक टू योर ऑफिस प्लेस अगेन बिकॉज थिंग्स माइट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग अगेन, सो देव डिड नॉट नो वॉट टू डू. ही टुक आउट हिज बाइक एंड स्टार्टेड गोइंग टू ऑल दोज प्लेसेज दैट ही वॉन्टेड टू विजिट, एंड ही रियलाइज्ड कि उन्हें खुशी मिलती है इन सब चीजों में, नए लोगों से मिलकर, उनकी कहानी सुनकर, खुद की कहानी बताकर उन्हें एक अलग सा सुख मिलता है. सो 2 months अगो व्हेन ही टर्न्ड 34, ही लेफ्ट एवरीथिंग एल्स एंड टुक अप द जॉब विद दिस हॉस्टल ऑफ वॉलंटियरिंग, जिसके बदले में उन्हें बस 3 वक्त का फ्री खाना और रहना मिलता है. बट मतलब व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स देव, दे डिड नॉट टेल यू एनीथिंग, उस तीसरे इंसान ने पूछा. और शायद ये वो एक सवाल था जो हम सबके जहन में उमड़ रहा था, और इसका जो जवाब देव ने दिया है, दैट इज द क्लोजेस्ट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस आई हैव एवर कम अक्रॉस इन माय लाइफ. ही सेड आई नो माय पेरेंट्स आर वरिड, वो बार बार मुझे कहते रहते हैं कि घर आ जाओ, सेटल हो जाओ, शादी कर लो, तुम ये क्या कर रहे हो. एंड दे ऑल्सो नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी. But I know that no matter what happens, I
am going to die a happy man. At the age of 34, starting your life from scratch again and having the confidence to say that I am going to die a happy man. देव के इस जवाब के बाद हम में से किसी के पास भी कोई सवाल नहीं था, बस थी तो एक मुस्कुराहट हमारे चेहरों पर, बिल्कुल वैसी जो देव की आंखों में झलकती रहती है। इतने में कहीं अचानक से एक आवाज आई और देव अपना ब्रेकफास्ट लेने चल गया, और ठीक उसी वक्त सूरज की एक किरण बादलों को चीरते हुए बिल्कुल उस जगह पर पड़ी जहां देव बैठे हुए थे, और लगा कि हमारे साथ साथ पूरा बनारस भी देव की उस खुशी में, उस मुस्कुराहट में मानो घुल सा गया हो। एंड इन दैट वेरी मोमेंट आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू रीच अ प्लेस इन माय लाइफ जब irrespective of anything happening in my life, even though I'm starting my entire life from a scratch, I want to have the courage and belief to say that I am going to die a happy man.